भारत ऑटो इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत बड़ा बाजार है। हाल ही में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों का जो काफिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कारों का जो बाजार है वो लगातार बढ़ा है और मार्केट में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो नजर आने लगी है। यही वजह है कि देश में फ्यूल को लेकर काफी शोध होते रहते हैं, जिसके चलते सरकार अब ईंधन से निर्भरता खत्म करने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को लाने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि इसकी शुरुआत जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है उन्होंने कर दी है। उनके पास देश की इकलौती हाइड्रोजन कार है। इसके अलावा भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली बस है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। क्या है हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की खासियत और ये किस तरह काम करती है, आज इसी को लेकर जो हमारा ऑटोगिरी कार्यक्रम है उसमें बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य आत्रे और आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों के बारे में। देखिए, लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो लगातार देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन अब सरकार जो है वो हाइड्रोजन की तरफ भी लगातार प्रयास कर रही है और हाइड्रोजन से चलने वाले जो वाहन है इनको किस तरह सरकार लॉन्च करे इसको लेकर लगातार काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन को भारत का फ्यूचर बताया है। उनका कहना है कि हाइड्रोजन इंजन से चलने वाली गाड़ियों की माइलेज कॉस्ट है वो ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में काफी कम आएगी। यानी जो हाइड्रोजन से जो गाड़ियां चलेगी वो जो आम पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियां चलती है उनकी कॉस्ट में काफी कम रहने वाली है। इसके साथ साथ पर्यावरण के लिए भी जो हाइड्रोजन की गाड़ियां हैं वो लाभकारी साबित हो सकती है। हाइड्रोजन कार को प्रमोट करने के लिए नितिन गडकरी खुद भी हाइड्रोजन कार चलाते हैं, जिसका नाम टोयोटा मिराई है। इस गाड़ी को साल के शुरुआत में पेश किया गया था। हाइड्रोजन से चलने वाली यह कार भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन है। यह कार एक फुल टैंक में लगभग 600 किलोमीटर तक की जो दूरी है वह तय कर सकती है। कार जो एक पायलट प्रोजेक्ट है इसको ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन बस भी लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाइड्रोजन बस को हरी झंडी दिखाई है। शुरुआत में अभी ट्रायल के तौर पर इन दो बसों को लॉन्च किया गया है। दोनों ही बसें हाइड्रोजन से चलेंगी और लगभग 3 लाख किलोमीटर तक का सफर तय करने वाली है। अभी तक इन दोनों बसों को सिर्फ दिल्ली में ही चलाया जाएगा और 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में हाइड्रोजन बसें चलाने का प्लान भी सरकार बना रही है। इसकी सफलता का पैमाना इससे माना जा सकता है कि जो हाइड्रोजन से चलने वाली जो बसें हैं उनको लेकर लगातार अब सरकार काम कर रही है। आइए जानते हैं आखिर हाइड्रोजन से यह गाड़ियां कैसे चलेगी, इसे पावर कैसे मिलेगा। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक उत्प्रेरक की मौजूदगी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर एक प्रक्रिया करता है, जिसके कारण जो पावर है वो जनरेट होता है। इसका एक प्रोडक्ट पानी भी है। इससे उत्पन्न होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल विद्युत मोटर को पावर देने के लिए किया जाता है, जो गाड़ियों में लगे पहियों को चलाने का काम करती है। यानी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा और उससे गाड़ियां चलेंगी। आसान भाषा में बात करें तो जो फ्यूल सेल है वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और गाड़ी के ईंधन टैंक में भरे हाइड्रोजन के बीच केमिकल रिएक्शन कराकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। केमिकल रिएक्शन से इन दोनों गैसों से मिलने से पानी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे गाड़ियां चलने लगती है। हालांकि इस समय हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। वर्तमान में अभी हाइड्रोजन कारों का क्रेज आने में कई साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी इसके ये पूरा इकोसिस्टम तैयार करना बाकी है, जिसके चलते जो है हाइड्रोजन के भंडारण की जरूरत है। हाइड्रोजन का परिवहन और भंडारण जीवाश्म के लिए आवश्यकता की तुलना में काफी जटिल है, जिस पर लगातार सरकार और जो देश के विशेषज्ञ हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल ऑटोगिरी कार्यक्रम में इतना ही। इस तरह की रोचक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।